हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये मैं शादी वाली सेकंड पार्ट लेकर के आ गई हूँ। तो वहाँ से जहाँ मैंने स्टॉप किया था पिछले वीडियो को, वहीं से कंटिन्यू की हुई हूँ। भुंजा भुंजने के बाद, वो जो लावा भुंजाई होने के बाद, फिर हम लोग रेडी हो गए थे शादी के लिए, शादी में जाने के लिए। तो ये वाली साड़ी मैं पहनी हुई हूँ, और दिव्यांशी वो पिछली वाली थी वही वाली फ्रॉक पहनी हुई है। और अब हम लोग निकल गए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं जिधर खेत है उधर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्में अभी बाकी हैं। वो रस्में होती हैं आम पिलाने की, मतलब अम्लो पिलाने की। आप सब क्या बोलते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के साथ वो जो गांव में शादी होती है वो शादी मैं शेयर कर रही हूँ कि लॉकडाउन में कैसे हम लोगों ने इस इतनी लॉकडाउन में गाँव में किस तरह से शादी हुई और किस तरह से शादी हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी बताना, आप सब अपने कमेंट करके कि आप लोग के यहाँ कैसी होती है और ये ब्लॉग कैसी लगती है आप सभी को। तो सारी चीज़ें आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आप सभी को। तो हम लोग बस यहाँ पे आम के पेड़ ढूंढ रहे थे, तो ये आम के पेड़ मिल गए हैं। जब शादी से पहले ना यहाँ पे आम के पेड़ के साथ होती है, तो यहाँ पे थोड़ी पूजा की जाती है, उसके बाद यहाँ पे बैठ करके आप सभी को अभी आगे की सारी प्रोसेस दिखेगी। तो यहाँ पे अभी देखिए अगरबत्ती वगैरह को ये जला करके और इसके चारों तरफ से घूम करके पाँच लोग घूमेंगे इस तरह से करके। यहाँ पे रस्में होती है, तो शादी से पहले यहाँ पे होती है। मुझे लगता है झारखंड और बिहार में दोनों कॉमन होंगी। आप सब बताना आपके यहाँ कैसी होती है। जो झारखंड और बिहार से बिलोंग करते हैं वो सब जानते ही होंगे इस तरह की शादी यहाँ पे होती है। सब जगह के जगह जगह पे गांव-गांव में डिफर करता है सबके रीति रिवाज सारी कुछ। तो हम लोग एक ये प्लेस है जहाँ की मैं अपने यहाँ की सारी रीति रिवाज आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और आप लोग के रीति रिवाज को हम लोग तक आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने मौली धागा से ना आम के पेड़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये पांच बार घूमेंगे। और थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना आपको वीडियो में, वो तो कैमरा की फ्लैश लाइट की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे जो कैमरा से फ़ोटो खींच रही थी उसी से हो रही है जहाँ तक कि मैं मुझे लग रहा है। बाकी मुझे भी पता नहीं चल पा रही कि ये सारी इफ़ेक्ट कहाँ से आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी रस्में हो चुकी हैं यहाँ पे, सारी जो पूजा प्रक्रिया जो होती है आम के पेड़ के साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना देखिए गांव के जितने भी लोग हैं, हम लोग जितने परिवार हैं, इस लॉकडाउन में तो सब लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन जो लोग नज़दीकी थे जो सामने के थे वो सब लोग आए हुए थे। और इस लॉकडाउन में ना अब मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ना सोची नहीं थी कि इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को ना लॉकडाउन मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं हम लोग ने रूल तोड़ा है, तो बिल्कुल भी नहीं, रूल नहीं तोड़ा है हम लोगों ने। रूल के साथ ही हम लोगों ने शादी किया है, और सारे रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही सारे डिस्टेंस मेंटेन वगैरह। तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, कोई भी असर नहीं है गांव में, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम लोगों ने किया है। अगर कोई असर होता या फिर कोविड की कोई प्रॉब्लम होती तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। गांव में ज़रा सा भी नहीं लग रही है, और अभी तो बहुत हद तक जो शहरों में है वो कंट्रोल हो चुकी है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने किया है। तो आप सब समझ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ही बता दी ताकि आप सब नहीं बोल पाए। तो यहाँ पे देखिए सब लोग ने, चाची सास मेरी दो चाची सास हैं तो उन लोगों ने, और यहाँ पे एक जेठानी हैं वो यहाँ पे आम के जो दो आम के पत्ते हैं उसमें थोड़ी सी गुड़ लेकर के, और यहाँ पे ननंद मेरी पानी डालते जा रही है और उसको ले लेके उनको पिला के, और अपने भी मुँह पे सटाने के बाद पीछे की ओर करते हुए ये वाली रस्म होती है, इसको कहते हैं अम्लो पिलाना। आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ देखिए अब मेरी टर्न हो गई है, मेरी बारी आ गई है, तो मैं यहाँ पे बातें करते हुए यहाँ पे कर रही हूँ। और तो ये अगरबत्ती इस तक नहीं चला था, माचिस नहीं थी, भूल गए थे लाना, तो वही अब माचिस ला के, तो यहाँ पे बस मैं वेट कर रही थी। मैंने बोला कि नहीं पहले आप जला लो उसके बाद हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं भी यहाँ पे पाँच बार करूँगी इस तरह करके। जितने भी बड़े हैं ना, इनसे जो बड़े हैं मेरे देवर से जितने लोग बड़े हैं, माँ मौसी भाभी, वो सब लोग करेंगे ये नियम को जो बड़े हैं। तो हम लोग बड़े में हैं इसीलिए हम लोगों ने ये नियम किया, छोटे लोग नहीं करते हैं।
और दीदी लोग भी करेंगी तो सब दीदी लोग भी करेंगी थी ये वाली चीज़ें। और ये देखिए ये यहाँ के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद भी एक रस्म बाकी है यहाँ पे, जब यहाँ पे दूल्हे जाते हैं तो यहाँ पे घोड़े भी सवार होके जाते हैं, तो यहाँ पे जीजा जी लोग घोड़े लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे एक नंदोसी हैं, छोटे वाले नंदोसी हैं, उनके उन पे चढ़े हुए हैं ये दो घोड़ा बने हुए हैं। और थोड़ी सी रस्म है, मतलब पहले तो होता था कि ले जाना, लेकिन अभी इतना सारे पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ी दूर में उन्होंने उतार दिया है। और अब हम लोग गांव के मंदिर में आ गए हैं, हमारे ही गांव के मंदिर में हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत बार मॉर्निंग ब्लॉग में दिखाई हुई हूँ कि ये यहाँ पे नज़दीक में मंदिर है, उसी मंदिर में हो रही है शादी। और हम लोग मंदिर में पहुँच गए, कोई कोविड के वजह से कोई धूम धड़ाका नहीं, कुछ भी वैसा नहीं है, हम लोग ने उसको ध्यान में रखते हुए शादी की प्रोसेस को किया है। तो बस अभी यहाँ पे लड़की की जो होती है ना, जितने भी छेका लगन ये सारे कुछ यहीं पे होगी, एक ही दिन के सारे कार्यक्रम है मंदिर में। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में, तो सब कुछ एक दिन होगा। तो यहाँ पे एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है, एक ही दिन में रिसेप्शन बोलिए या फिर शादी बोलिए, छेका बोलिए, लगन बोलिए, तिलक बोलिए, जितना कुछ सब मंदिर में। और मंदिर में ऐसे ही होती है। तो बस यहाँ पे लड़की के जो रिलेटिव थे, लड़की पार्टी जो लोग थे, सब लोग यहाँ पे आ चुके थे हमारे गांव के मंदिर में, और हम लोग यहीं पे थे। तो बस वहाँ से आने के बाद हम लोग इधर आ गए, और यहाँ पे जो तिलक वगैरह जो कुछ भी होना है वो सारे कुछ यहाँ पर हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हल्दी लग रहा है, हल्दी चढ़ रहा है, ये सारे नियम होंगे। और इधर मैं कोने में बैठी हुई हूँ, जितने भी जो भी हम लोगों की ज़रूरत की सामान है हम लोग सारे कुछ ले गए हैं मंदिर में, और मंदिर पास बैठे हुए हैं। यहाँ की डेकोरेशन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि काफ़ी अब सबको तो पता है ना कि घर में शादी होती है तो कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इधर टाइम ज़रा भी नहीं मिलता है। और इधर मैं सारे सामान निकाल रही हूँ जो कि चढ़ावा जाएगा, लड़की को जाएगा। तो ये सारे सामान मैंने खरीदा था, तो आप सभी मतलब बताई थी ना कि शॉपिंग पे गए हुए, तो उसी दिन ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी थी। तो सब आज यहाँ पे चढ़ावा होगा तिलक के बाद, तो ये चढ़ाएंगे जो भेसुर होते हैं, वही चढ़ाएंगे लड़की के जो भेसुर होते हैं जो बड़े हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल से सब कुछ हम लोगों ने खरीदा है, जो मतलब च्वाइस नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी च्वाइस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बेस्ट चीज़ें हम लोगों ने उठाया, जो भी था, जो भी अवेलेबल था उसमें से। तो सारी चीज़ें चढ़ावा, जितने भी जेवर हैं या फिर कपड़े हैं, ये सारी शादी की चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे ये भेसुर हैं, तो वही चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये सारी चीज़ें पहन करके लड़की फिर शादी पर आएँगी, शादी पर बैठेंगी, तो ये अभी ले जाएंगी। उधर पीछे पंडाल और भी बना हुआ है, पीछे साइड मंदिर के पीछे साइड, तो उस साइड में लड़की लोग के जितने भी पक्ष लड़की पक्ष वाले घर हैं, लड़की पक्ष वाले तो घर ही नज़दीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कलश पे जो है रखे हुए, कलश पे सटा के पाँच पर सटा के लड़की को दे दिया जाएगा, वो लड़की ले लेगी। और उसके बाद ये रेडी होकर के फिर से आएगी, तो काफ़ी दिक्कत होता है रेडी होने में, आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये तो होना ही पड़ेगा। तो ये वापस चली जाएगी पीछे, और पीछे में इनके लिए टेंट जैसा बनाया हुआ है, तो उसमें जाएगी, वहीं पे ये अपने रेडी वगैरह होगी। और यहाँ पे तब तक लड़की के सारे नियम होंगे, तो लड़की में यहाँ पे ये सिनाई होना, सिनाई पिटाना बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, तो जो लोग गांव में बोलते हैं वही चीज़ मैं गांव वाली भाषा में बता रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो हाथ में चावल है, थोड़े से उनके उंगली में चुभा के, पीने जैसा चुभा के, फिर वो बंद करके और थोड़े से चावल ले करके वो लेंगे, और उनके हाथ में बांध दिया जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी वाली चाची सास है, तो उनकी आँख बंद की हुई, तो इस तरह से सिनाई होता है यहाँ पे, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम लोग साइड में बैठ के देख रहे हैं, आप सबको दिख रहा होगा ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब गेस्ट की भीड़ नहीं थी ज़्यादा, लेकिन जो गांव में थे वो गांव वाले लोग थे, तो इसमें कोई भी कोई दिक्कत नहीं थी, सारी कुछ आराम से हो गया था, अच्छा तरीके से हो चुका था, ज़्यादा भी दिक्कत नहीं हुई थी। और ये सारी ब्लॉग ना मैं 22 मई की शेयर कर रही हूँ, तो अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें ला रही हूँ, थोड़ा सा सेटल होने में सारी चीज़ें को,
फैमिली और सब कुछ तो टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आराम से लेकर के आऊँगी आप लोगों के साथ ब्लॉग को, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लेके आ रही हूँ। और यहाँ पे लड़की के भाई बैठे हुए हैं और उधर दूल्हे दूल्हे को कपड़े मिल चुके थे, तो उन्होंने चेंज कर लिया है, फिर से एक बार चेंज होगा। तो अभी नहीं चेंज, हाँ चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे लड़के और यहाँ पे जो भी रस्में हैं वो होंगी, लड़की के भाई जो रस्म करते हैं वो सारी रस्में होंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर जयमाला पे जाएंगी, तो जयमाला नेक्स्ट ब्लॉग में मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के साथ। इस ब्लॉग में यहीं तक है और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं आना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पार्ट पार्ट करके ला रही हूँ। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब यहाँ कैसे होती है लॉकडाउन में, गाँव की शादी कैसी लगी, सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।